हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण युवा केंद्र बेगमगंज द्वारा बालक और बालिकाओं के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर ने विजेता टीमों को शील्ड देकर सम्मानित किया। बता दें कि सीनियर बालक वर्ग की विजेता टीम सीएम राइज और उप विजेता टीम सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल रही। तृतीय पुरस्कार महर्षि कॉन्वेंट स्कूल को मिला। सीनियर बालिका वर्ग की विजेता टीम सीएम राइज और उप विजेता सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल रही। वह जूनियर बालक वर्ग में विजेता सेंट थॉमस और उप विजेता सीम राइज रही। साथ ही शतरंज में जूनियर और सीनियर वर्ग में महर्षि कॉन्वेंट स्कूल का नाम विजेता के रूप में घोषित किया गया। प्रतियोगिताओं के दौरान मुख्य अतिथि का आभार भी व्यक्त किया गया। रायसेन से नवेंद्र राय की रिपोर्ट। ये 9 तारीख से 15 तारीख तक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बेगमगंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें यहाँ स्थानीय स्कूलों के बहुत से बच्चों ने भाग लिया और बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें जो उत्कृष्ट बच्चे थे, जो जीतने वाले थे, उन्हें प्राइज़ मिला, और जो अनफॉर्चुनेटली हार गए उन्हें मोटिवेट किया गया। इस अभियान का बड़ा एक व्यापक असर और मोटिवेशन बच्चों में देखने को मिला है। तो इस अभियान के तहत जो आयोजक हैं, हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर वगैरह हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ हैं, उन्हें मैं इस अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई के लिए, इस काम के लिए, युवा कल्याण विभाग के हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।